दोस्तों, अभी शाम के 7:30 बजे हैं और अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन से बनाया नहीं कुछ। हाँ, ये भी हाय हेलो बोल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल बुक के बारे में बताऊंगी, जीने की राह, जिसका नाम है। ओके, क्या तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए, आज मकर संक्रांति है और ये रियांश जो है, देखिए क्या कर रहा है, पतंग लेकर। उड़ाने तो आता नहीं इसे, पर इधर उधर तोड़ फोड़ कर रहा है बस, और क्या करेगा। और मैं, धूप तो उगा नहीं है इसलिए ऐसे ही बैठी हूँ। थोड़ा बहुत धूप आ रहा है, जा रहा है। 2 दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं किया था, बहुत ठंडी थी यहाँ पे, बहुत सर्दी थी इसलिए नहीं किया था। आज थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया है, देख लो आप लोग, होंठ भी मेरे फट गए हैं। ओला गाय की दिखाई है। अच्छा, गाय को भी दिखा दें। हाँ, प्यारी प्यारी गैया, और ये गैया का बछड़ा, स्त्री, और ये पतंग, और ये पतंग। ऊपर काम चल रहा है अभी, और ये पतंग अभी बहुत दिनों से काम चल रहा है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। और ये पतंग, ये पतंग है रियांश, ये इधर पतंग उड़ा रहा है, जो कि इससे उड़ने से रहा। और वो उधर मट्टी खा रहा है। हे भगवान, वो तो पागल हो गई उन लोग के चक्कर में। अरे बॉल में मट्टी लगा है बेटा, क्यों खा रहा है? हे भगवान, ज्यादा टेस्टी लग रहा है तुमको? क्या कर रहे हो? पतंग उड़ाने आता है। झूठ, दोनों मिल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। बुक में इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं, मैं आपको एकदम विस्तार से बताती हूँ। तो सबसे पहले है कि ऐसे तो दो दो शब्द हर हर किताब में रहता है, वो है मानव जीवन की आम धारणा, वो है कथा मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद, वो है आज भाई को फुर्सत नहीं है, उसके बारे में भी है। भक्ति न करने से हानि क्या होता है, मतलब पूजा न करने से क्या हानि होती है, वो है भक्ति मार्ग पर यात्रा, मतलब पूजा करने से जो है मन को शांत, किस तरह से मतलब शांति मिलती है उसके बारे में बताया गया। विवाह कैसे करें उसके बारे में बताया गया। प्रेम प्रसंग कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को कैसे त्याग दिया था उसके बारे में है। बे औलाद कैसे होते हैं, जिनके औलाद होते हैं वो कैसे होते हैं, विवाह में जो डांस करते हैं वो, उसके बारे में बताया गया है। संत जो महात्मा होते हैं उनके बारे में बताया गया है। विवाह के पश्चात क्या होता है, और चरित्रवान चरित्रहीन, इन दोनों के बारे में बताया गया है। संगत का प्रभाव कैसा है होता है, इनके बारे में बताया गया है। कबीर परमेश्वर द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा देना एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ, उसका विस्तार से जो है यहाँ पे बताया गया है। तंबाकू का सेवन करना महापाप है, इसके बारे में भी। तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी इसके बारे में भी। क्या कर रहे हो बेटा? तंबाकू के विषय में बताया गया है। तंबाकू घोड़े के चमड़ों से बनाया गया है, गधे घोड़े की भी घृणा करते हैं, सॉरी, तंबाकू से गधे और घोड़े भी मतलब घिन करते हैं। बच्चे, नशा कैसा होता है, नशा नाश करवाता है, उसके बारे में मतलब इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं। अभी तो मैंने बस एक पेज ही पढ़ा है और ये मैं सिर्फ शीर्षक पढ़ रही हूँ। माता पिता की सेवा करना, बच्चों को हर संभव गलती क्षमा कर देना, वर्तमान की कुछ सत्य कथाएं, दीक्षा के पश्चात क्या होता है, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, एक लेवा एक देवा दूत, कथनी और करनी में अंतर, सत्संग से मिली भक्ति की राह। बेटा दरवाजा बंद कर दीजिए।
पंडित जी की परिभाषा, सुदामा जी पंडित थे उनके बारे में बताया गया है। हंस लक्षण, हंस के क्या क्या लक्षण होते हैं, ज्ञानी सत्संगी के लक्षण, इतने सारे गुण से भरी किताब मैंने पहली बार देखी। आप जरूर लें और लेने के बाद इसे पढ़ें, टाइम ना मिले तो कम से कम दो दो पेज रोज पढ़ें, आपको बहुत ज़िंदगी में बहुत ही इसे पढ़कर बहुत ही आसानी, मतलब आसानी से आपका जो है कुछ तो ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ मैंने प्राप्त किया है इसे पढ़ के। वासुदेव की परिभाषा, पूजा तथा साधना में अंतर, ऋषि दुर्वासना की कारगुजारी, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तीन गुण क्या है। तो ऐसी भक्ति मर्यादा, भक्ति क्या है, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से हुए भक्तों को लाभ। बहुत आपको जरूर आपके आसपास ये बुक बिक रहा होगा या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा, आप जरूर लें और लेने के बाद आप इसे पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या गुण है इस बुक में। मैंने तो अभी बहुत कम ही पढ़ा है। मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, उनको शायद सर्दी का असर हो गया है, वो उन्हें ठंड लग रही है और उनका बदन दर्द दे रहा है। असल में जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि घर का जो जितना भी सारा बोझ है वो सब अकेले वही उठा के रखे हुए हैं। इनकी पढ़ाई हो, घर बनाना हो, बच्चे की जिम्मेदारी हो, मतलब टोटल जो काम है वो मेरे पापा जी ही करते हैं, तो वो ज़रा सा भी तकलीफ़ में रहते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं घर की बहू हूँ, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती, मैं घर से बाहर भी नहीं जाती, इसलिए मैंने पड़ोसी को फ़ोन किया, मेरे देवर हैं विकास, पड़ोस में रहते हैं, और उनसे उनकी दवाई अभी मंगवाई है, देखिए आगे उनकी तबीयत कैसी रहती है। क्योंकि ससुर जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वही है जिनके वजह से मतलब मेरा मान सम्मान इतना इस घर में है, वो ना होते तो ये और जो घर के लोग हैं वो मुझे जीने भी नहीं देते, इसलिए मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड दो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और शुक्रगुजार हूँ मैं इन दोनों की। इन लोगों को छींक भी आ जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, या फिर मुझे कुछ हो जाता है तो वो लगता है कि क्या कर देंगे, कैसे ठीक करें, वो सबकी फीलिंग्स को समझते हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए और अगर उनको कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बेटा देखो,